देख लीजिए ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है सेठ छमछम वाटर पार्क गया का। और यहाँ पे बहुत दोस्तों ऊंचे ऊंचे स्लाइडर्स हैं जिसमें आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो हमारा यहाँ पे यात्रा शुरू होता है स्टेशन से। हम लोग निकले थे यहाँ से डेहरी ऑन सोन से और हम लोग स्टेशन गया। स्टेशन से उतरते ही थोड़ी देर पैदल चलने लगे और हमने मैप पे लोकेशन डाला तो एक कचहरी मोड़ था, वहाँ से दिखा रहा था हमको नियर अबाउट 17 किलोमीटर। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि वहीं से ऑटो करेंगे क्योंकि हमने स्टेशन पर ऑटो वाले भैया से बात किया, वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। फाइनली हमें जाके एक ऑटो वाले भैया मिले, ये टुक टुक वहाँ पे बोला जाता है गया में, टुक टुक वाले भैया मिले जिनसे हमने डील की। और हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कचहरी मोड़ है, यहीं पे हमारी ये ऑटो वाले भैया मिले थे और इन्होंने बताया कि मैं आपको वहाँ पे सेठ छमछम वाटर पार्क गया के पास ले जाऊँगा। हमने इनसे डील की थी लगभग 400 रुपये में और 400 रुपये में हमने यहाँ पे 5 लोग थे और यहाँ पर पर्सन आप जोड़ लीजिएगा कितना कैलकुलेशन पड़ा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा जर्नी को एंजॉय करिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे थे लेकिन दूर दूर पे थे। और ये फल्गु नदी हम लोग पार करते हुए और हम लोग यहाँ से यात्रा करके तुरंत पहुँच जाते हैं सेठ छमछम वाटर पार्क में। दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा दूर है मानते हैं लेकिन बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और सेठ छमछम वाटर पार्क में ज़रूर इंजॉय करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, फुल पैसा वसूल है। यहाँ पे सब कुछ आपको बताएंगे, यहाँ पे टिकट प्राइसिंग क्या है, कैसे आपको एंट्री करना है, कौन कौन से यहाँ पे स्लाइडर हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस वीडियो को आप में एकदम अंत तक बने रहना है। यहाँ पे हम लोग पहुँचते ही इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हमसे रहा नहीं गया और इतने ऊँचे ऊँचे स्लाइडर देख के हम लोगों का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच चुके थे और हमने यहाँ पर थोड़े बहुत सोचा कि बहुत ज़्यादा दोस्तों उस दिन गर्मी थी तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बगल में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी हैं जो यहाँ पे साइड में हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये लोग सोच रहा था कि भाई इतना जल्दी हम लोग कैसे पहुँच गए, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑटो वाले भैया, टुक टुक वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही जल्दी पहुँचा दिया और कम पैसे में भी पहुँचा दिया। फाइनली दोस्तों हम लोग ने कुछ देर आराम किया और फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ इसका मेन एंट्रेंस है, यहीं पे आपको एंट्री करना है और एंट्री करके जैसे ही आप आगे जाइएगा ऐसा कुछ सेप का आपको मिलेगा देखने को। और यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही मस्त मस्त पॉइंट है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और हमने सोचा कि यार चलो फ़ोटो नहीं क्लिक करते हैं। ब्लॉग भी बनाने का मेरा मन नहीं था लेकिन सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। मुझे तो बस स्लाइडर ही देखना था यार, बहुत यहाँ पे ऊंचे ऊंचे स्लाइडर है और उन पर आगे चल के एंजॉय करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। आगे बढ़ते हैं हम सभी दोस्तों के साथ और यहाँ पे हमको एक हाथी, दो हाथी देखने को मिला। हम लोग एक्साइटमेंट में जाके वहाँ से सोचे कि फ़ोटो क्लिक कराएं लेकिन धूप दोस्तों इतना ज़्यादा था कि हमारा सर दर्द करने लगा धूप में, इसलिए हमने सोचा कि चलो यार फ़ोटो क्लिक क्या ही करवाते हैं। लेकिन उन लोगों ने बोला कि चलो एक वीडियो में तो ले लेते हैं, वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और वहीं से फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो हमने वीडियो में ही इस हाथी को, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं हाथी वाले के पास से और मेरा मन तो बार बार दोस्तों बस स्लाइडर पर ही जा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्त मस्त ऊँचे ऊँचे और बढ़िया स्लाइडर हैं। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो भी पार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे टुक टुक करके आए थे तो हमारा टुक टुक वहाँ से चला गया और वो ऑटो वाले भैया, उन्होंने बोला कि आप अगर यहाँ से निकलिएगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं फिर से आपको रिसीव करने आ जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे आने के बाद टिकट काउंटर के आने के बाद काफ़ी हमको रेस्ट मिला। हम लोगों ने यहाँ पे एक दो फ़ोटो भी क्लिक कराई, यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं आप सेठ छमछम वाटर पार्क का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती है। हमने ये 2-4 फ़ोटो क्लिक कराने के बाद दोस्तों तो अभी भी बहुत तेज़ धूप थी लेकिन हमारा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि धूप उसके आगे कुछ भी नहीं थी, हम बस बार बार स्लाइडर को ही देखे जा रहे थे। मेरा मन कर रहा था भाई मैं अभी चला जाऊं और उस पे से मज़े लूं और फुल एंजॉय करूं वाटर पार्क का। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़े बहुत और आपको सीन्स दिखाता हूँ, आपको कुछ ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा देखने में तो यूनिक लगते ही हैं। आपको फ़ोटो अगर आप थोड़ा सा कम लू में आइएगा, हम जब गए थे तो बहुत ज़्यादा लू था और मज़ा आएगा। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं जल्दी जल्दी से टिकट काउंटर के पास और मेरे सारे दोस्तों ने सबने सोचा कि कौन सा टिकट लिया जाए। यहाँ पे आपको 2 टिकट मिलते हैं, एक 500 का, एक 750 का। फाइनली टिकट लेने के बाद हम लोग का एंट्री होता है और हम लोग पहुँच जाते हैं कॉस्ट्यूम काउंटर के पास। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को सभी लोग को रेड रेड कॉस्ट्यूम चाहिए क्योंकि हमको ब्लू रंग उतना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोगों ने सब लोगों ने चूज़ किया रेड कलर। रेड कलर में फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं वाटर पार्क के फ़ोटो, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों रेन डांस का वो वाला सीन दिख रहा है। फाइनली हम आ गए थे अपने लॉकर के पास
और लॉकर के पास हम लोग आने के बाद यहाँ पे दोस्तों ने बोला कि चलो थोड़ा सा शाहरुख वाले स्टाइल में पोज भी हो जाए। तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती किया और अपना लॉकर लेने के बाद यहाँ पे पोज मारा और हम लोग चल दिए डायरेक्ट वाटर पार्क में। एक्साइटमेंट दोस्तों इतना ज़्यादा था कि हम लोगों ने यहाँ जल्दी जल्दी पानी उनी भी नहीं पिया, बस कुल्ला किया और मुँह हाथ धोआ। और हम लोगों ने दोस्तों आप यकीन नहीं करिएगा, हम लोगों ने खाना तक भरपेट नहीं खाया था बस वाटर पार्क के एक्साइटमेंट में। हमने जो था वो बाहर मिला वो खा के चले गए। हम लोगों ने चार चार कचौड़ी और वहाँ पे और कुछ मिलता है आप खा सकते हैं, बहुत सारे आगे होटल आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों वहाँ पे प्राइजिंग जो है उन होटल्स का बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप हो सके तो अपने पास कैरी करके लाइएगा खाना। और यहाँ पे इसका एंट्रेंस दोस्तों, ये वाटर पार्क का मेन एंट्रेंस है, यहीं से आपको एंट्री करना है। यहाँ से करने के बाद आप खुला कहीं भी घूम सकते हैं पूरे वाटर पार्क में। आपके हाथ में एक बैंड लग जाता है, उस बैंड को लेके आप कहीं भी घूम सकते हैं। फाइनली हम लोग को पता नहीं था कहाँ जाना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में चल दिए वाटर पार्क में जो वेव पूल होता है। हालांकि वेव पूल अभी चालू नहीं था, लेकिन हम लोग पानी देख के हम लोगों से रहा नहीं गया और हम लोग दौड़ने लगे। मेरे दोस्त इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, उनसे ज़्यादा कहीं मैं भी एक्साइटमेंट था। और मैंने सोचा कि चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी अच्छा था, ठंडा था, हम लोग को बहुत काफ़ी अच्छा खासा रेस्ट मिला। हम लोगों ने यहाँ पे 5-10 मिनट इन्जॉय किया। और वेव पूल हालांकि अभी चालू नहीं था, चालू होने वाला था, जैसे ही भीड़ आएगी तो चालू होगा। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे स्विमिंग कर लिया जाए और देख लिया जाए वेव पूल कितना खाली है। और यहाँ पे दोस्तों अभी भीड़ इतना ज़्यादा होने वाला है, देखिएगा वीडियो में आगे चल के। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग भी ठंडा किया पानी में डुबकी लगा के, आप भी आइएगा तो डुबकी लगाइए। फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाँ पे किड्स वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मज़ा आया था। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छा पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फोटो जाते हैं। तो फिर से आपको बताता हूँ, आप चले जाइएगा इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर देखिए हमने कितने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग, ये बच्चे वाला स्लाइडर है, लेकिन हम भी बच्चे से थोड़ी कम हैं, हमारा तो दिल भी बच्चा है। तो यहीं पर हम लोगों दोस्तों ने खूब इंजॉय किया। और ये वाला सीन आपको हर वाटर पार्क में लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। यहाँ पे भी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा फोटोज क्लिक कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों स्लाइडर का मज़ा ले रहे थे हम लोग। स्लाइडर का मज़ा लेने के बाद दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा था स्लाइडर को। अब इस वाले स्लाइडर पर आपको एक मैट मिलती है, मैट से आप वहाँ पर ऊपर लेके जाइएगा सीनियर से, और वहाँ से मैट पर आप आइएगा। आप वाटर पार्क के स्लाइड का एंजॉय करिए दोस्तों। कुछ मैंने दो चार शॉर्ट्स भी बनाए हैं और यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फाइनली दोस्तों टाइम है ये बड़े वाले स्लाइडर में जाने का, और ये है जो गोल वाला स्लाइडर होता है उसमें ये चारों तरफ से पैक होता है। दोस्तों इसमें मेरा हालत ख़राब हो गया था, मैंने इसमें कुछ गालियाँ भी दी हुई है, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसमें। और डायरेक्ट नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप पानी में ही आते हैं, और इसमें स्लाइडर में इतना मज़ा आया दोस्तों, बहुत ही ऊंचा है ये भी स्लाइडर। और मुझे तो लगा कि मुझे फिर से एक बार जाना चाहिए, सामने फिर से तैयार होगा और इससे बड़े वाले स्लाइडर पर सीधा हमें चला गया। तो हम गए सबसे पहले नीचे वाले स्लाइडर पर, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे शुरू में तो डर लग रहा था, लेकिन फिर दोस्तों आगे बहुत मज़ा आया हमें। दीपक दोस्तों इस वाले स्लाइडर में तो मज़ा ही आ गया, क्या बोलें दोस्तों। इसमें आप डर भी सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सेफ्टी एकदम पूरी गारंटी है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के बाद, ये सबसे दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे ऊंचा वाटर पार्क है बिहार का, इसमें आ गए थे। करिए आप लोग आ रहा है मेरा दोस्तों, हम आ गए हैं भाई, चलो पीछे आ जाओ। बिहार का सबसे ऊंचा जियो मृत, हटो हटो हटो, मंटू 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 हटो हटो, जल्दी आओ मंटू, डर ना मंतोष। भाई साहब कहाँ चले गए यार तुम, सबसे खतरनाक यही वाला है। सब लोग हाय बोलो,
दुनिया का सबसे खतरनाक भाई। चलेंगे वेव पुल में, अब हम लोग जा रहे हैं वेव पुल में। बहुत ताजा होता है, डर लगा। हम लोग जा रहे हैं वेब। वेव पुल का मजा लेने के बाद यहाँ पे सारी भीड़ चल चुकी है। अब रेन डांस का मजा लेने यहाँ पे आपको एक हावड़ा ब्रिज का सिंबल देखने को मिलेगा, इसी से आपको क्रॉस करके जाना है वहाँ पे रेन डांस। रेन डांस में दोस्तों बहुत ही मज़ा आया, आप लोग आगे एंजॉय करिए रेन डांस को और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और रेन डांस आपको कैसा लगा। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया रेन डांस में, तो आप एंजॉय करिए अब रेन डांस।
आगे यहाँ पे साइड में बनाया हुआ स्विमिंग पूल जैसा, इसमें आपको सिर्फ बलून लेके लेट जाना है। लेकिन भीड़ काफ़ी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को बलून नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे ही थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया जाए। इसमें पानी और भी ठंडा था तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम लोग इसमें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आए थे, बाकी हमारा तो पानी से निकलने का मन नहीं कर रहा था। आप अगर चाहें तो बाहर भी जाकर रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ वर्सियाँ बनाई गई है, आप उस पर अच्छे से बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया इन्जॉय करने, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे कपल्स भी आए हुए थे। आप मैं तो उन्हीं को कभी कभी देखे जा रहा था, लेकिन खैर भाई क्या करना, हम सिंगल लौंडे हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जस्ट हावड़ा ब्रिज के नीचे हम लोग आ गए हैं। अभी हावड़ा ब्रिज के नीचे दोस्तों हम लोगों को ब्रिज के नीचे हमने देखा कि यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे मस्ती करने का सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा इनको भी रिकॉर्ड किया जाए और इनकी मस्ती को भी कैमरे में कैद किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कैमरे को कैद किया और मस्ती की थोड़ी बहुत, हमने भी मस्ती की। और यहाँ पे ये सब देख सकते हैं कितने इन्जॉय कर रहे हैं और इनको कितना मज़ा आ रहा है। इन्जॉय करने के बाद दोस्तों हम लोग चले गए। चलो भाइयों आ जाओ सभी लोग, हमें तो लूट। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई भाई, चलो चलो। Yeah.